हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन रियल इन्फॉर्मेशन। में फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको हेयर लॉस जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 12 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स के बारे में एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपकी हेयर लॉस वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें वासु फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया अश्वगंधा पाक के बारे में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी एक जमुना फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया अश्वगंधा पाक के बारे में भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के ये वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मेरे पास में रखा है व्यास फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया अश्वगंधा पाक। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया अश्वगंधा पाक है, इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसके कंटेंट्स और क्या कंपोजिशन इसमें मिले हुए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अश्वगंधा, दालचीनी, तेजपान, नाग केसर, इलायची, जायफल, केसर, वंशक लोचन, मोच रस, जटामांसी, चंदन, खैरसार, जावित्री, पिपलामूल, लौंग, कनफूल, अखरोट, बिलवा, सिंगरा, गोखरू, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म और लोह भस्म, इन सभी कंटेंट्स को मिलाकर फ्रेंड्स इसमें 26 प्रकार के तत्वों को मिलाकर इस अश्वगंधा पाक को बनाया गया, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्लस इसमें शुगर की मात्रा टेस्ट के हिसाब से भी मिलाई गई, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर इसकी MRP की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी 225 रुपये MRP 200 ग्राम के पैक की। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया ये आपके लिए साबित हो जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी बता दूँ, इसका वैज्ञानिक नाम विथोनिया सोमनीफेरा है और इसे भारतीय व्याघ्र भी कहा जाता है, इंडियन व्याघ्र, और इसे आयुर्वेदिक का जिनसिंग भी कहा जाता है, प्लस इसे आयुर्वेदिक का एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं इसके फ़ायदे की कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। यह आपके मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद बात की जाए तो यह आपको स्टेमिना, शरीर को ताकत, स्फूर्ति, बलवान बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस अगर वीर्य से बात करें तो यह वीर्य को गाढ़ा करता है, प्लस वीर्य संबंधी जितने भी रोग होते हैं उन्हें दूर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लस शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, नपुंसकता, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यह होता है। और जो कुछ लोग मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, अस्थमा जिन लोगों के साथ है, यह उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह वीर्य को गाढ़ा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्लस उसे तंदुरुस्त और मजबूत बनाए रखता है। अगर बात की जाए इसकी तो फ्रेंड्स, इसके कुछ ऐसे ही फायदे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह कैंसर ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है उसे भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कैंसर ट्यूमर की ग्रोथ को। प्लस अगर किसी को अगर शुगर की बीमारी है, अगर वह भी व्यक्ति अगर इसका सेवन कर रहा है तो यह उसकी शुगर की जो को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यह अश्वगंधा काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसे आयुर्वेदिक का एंटीबायोटिक के रूप में भी ले सकते हैं। यह शरीर को बलवान, ऊर्जावान भी बनाता है, प्लस मसल को भी ग्रोथ करता है। यह आपको इस तरीके से पाक में दिख जाएगा, एकदम च्यवनप्राश के तरीके में भी यह को आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसके जो फायदे हैं काफ़ी ज़्यादा है। यह अगर किसी को लिंग वाली भी जो समस्या आती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बलवर्धक और वीर्यवर्धक दोनों, और प्लस धातु रोग, अगर किसी को धातु रोग जैसी समस्या होती है उनके लिए भी यह काफ़ी बढ़िया अश्वगंधा पाक है। फ्रेंड्स, इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। जब भी आप इस पाक का यूज़ करें तो एक चम्मच दूध के साथ में या पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे दूध के साथ यूज़ करें या पानी के साथ। एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसमें घोल कर इसे ले लेना है आपको। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको 1 वीक में इसका धीरे धीरे रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि यह कितना बेनिफिट आपके लिए करता है। जिस तरीके से मैंने आपको आगे बताया किन किन चीज़ों में, चिंता, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, वीर्य संबंधित जितनी बीमारी होती है, शीघ्र पतन, नपुंसकता, धातु रोग, इन सभी बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। बात की जाए किस एज का व्यक्ति इसे ले सकता है, तो अगर आपकी उम्र 16 से ऊपर है तो 16 से ऊपर वाले किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका यूज़ कर सकता है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसे 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं नाइट में, एक चम्मच दूध के साथ। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा सुस्ती कमजोरी है, तो आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये प्योर आयुर्वेदिक है। और अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की,
तो अब तक इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यह बहुत ही काफ़ी हल्का सा गर्म होता है, तो आप इसे गर्मी के समय में बिल्कुल भी ना खाएं, वरना आपको लूज मोशन, अपच, कब्ज जैसी यह शिकायत हो सकती है और आपको हल्की सी सुस्ती भी आने लग जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसे गर्मी में ना खाएं क्योंकि अश्वगंधा ऑलरेडी पहले से ही गर्म होता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बट यंग एज के लड़कों में इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको आगे बताया, आपको इस अश्वगंधा पाक का उसी तरीके से यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।